बिहार के जमुई में दरोगा को कुचलकर मारने के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो जमुई दरोगा की मौत मामले में पुलिस की एक कार्रवाई है, लेकिन सवालों के घेरे में सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, गठबंधन की सरकार, क्योंकि पुलिस टीम पर हमला, माफियाओं ने कहीं ना कहीं किस तरह से, क्या उनमें कोई खलबली नहीं, बेचैनी नहीं, घबराहट नहीं, क्योंकि पुलिस टीम पर हमला अपने आप में बहुत बड़ा था। एक गरही थाना के द्वारा अवैध बालू के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही थी। बहुत सारे जो है बालू माफिया और अवैध ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और आज दिनांक 14 को सुबह जो है एक गुप्त सूचना मिली कि अवैध बालू की निकासी की जा रही है। उसी गुप्त सूचना के आधार पर एसआई प्रभात रंजन अपनी टीम के साथ छापेमारी के लिए प्रस्थान किए और प्रस्थान के दौरान जब अवैध बालू ट्रैक्टर को पकड़ा जा रहा था, उस समय अवैध बालू जो ट्रैक्टर चला रहा था उसके द्वारा जान मारने की नियत से कई बार जो है धक्का दिया गया इनकी गाड़ी को जो है, जिसमें प्रभात रंजन के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और इसी क्रम में जो है इलाज के लिए हम लोग ले जा रहे थे वहाँ के लोकल थाना के द्वारा और इलाज के क्रम में जो है हॉस्पिटल पहुँचने के पहले ही वो शहीद हो गए। इसके अलावा एक अन्य होमगार्ड भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं जिनका इलाज अभी जमुई में चल रहा है और इस पूरे घटनाक्रम पे जमुई पुलिस काफ़ी हताहत और दुखी है और परिवार के साथ उसकी संवेदनाएं पूरी हैं।